आओ ऑफिस चले। पीछे करते लड़ते मरते हम फाइनली निकल गए हैं। That is why I am more inclined to going back to office. Good morning, hello my happy faces. This is an office vlog going back to office because I've been working from home for almost two years to ho gaya hai. March mein start hua tha 2020 mein lockdown, to tab se work from home kar rahi hu. So that is why going back to office is something that is really thrilling for me. My office has started like abhi voluntary hai, so zaruri nahi hai ki hame jana hai, but if somebody wants to come they can. Nipun jo hai wo roz office jata hai, jo piche abhi chadar samet raha hai. Uska jo office ki building hai wo mere office ke bahut paas hai. Matches very nicely. The only thing that we are currently struggling big time is with the house helps, especially for the cooking didi, क्योंकि हम लोग cooking didi को शाम को भी बुलाते थे, क्योंकि शाम को तो हम नहीं पहुंच पाते हैं. मामला सब कुछ हिल गया है. सुबह I ask her to make double of what she usually makes for lunch. और थोड़ा timing का भी हम struggle कर रहे हैं, because she comes at 9 AM and we have to kind of leave by 9:30, 9:40, 30-40 minutes इतने crazy होते हैं ना. But आज thankfully she came 8:30. I think she came around 8:30. ये बन गए हैं छोले और चावल, ये हमारे रात के लिए हैं. थोड़े से अब ये ठंडे हो रहे हैं, उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी. Obviously, we don't eat from outside every single day. छोले चावल for Nipun, छोले चावल for me. और मैंने अपने थोड़े से फ्रूट्स भी काट लिए हैं. नाश्ते में Nipun ने तो पी है चाय, and I'm gonna have eggs, 3 eggs. Also, यार ऑफिस में ना हॉट कॉफी मिलती है बट कोल्ड कॉफी नहीं मिलती, तो मैं सच में सोच रही हूँ कि मैं आज कोल्ड कॉफी बना के चली जाऊँ, क्योंकि जो कॉफी भी है ना ऑफिस में वो इतनी बढ़िया नहीं है जितनी मैं घर पे पीती हूँ. सो आई एम रियली यूज टू लाइक हैविंग गुड कॉफी, सो आई एम थिंकिंग आई विल मेक कोल्ड कॉफी. राइट नाउ आई एम गोना गो फॉर अ शावर. मैं सोच रही हूँ कि मैं शैम्पू करूँ या ना करूँ. बाल अभी ठीक है, आज का दिन चल जाएगा तो थोड़ा टाइम बच जाएगा. एक हेल्प मांगी थी मैंने, इसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इसकी पैंट प्रेस करती हूँ, तो ये क्यों नहीं मेरा कुर्ता आज प्रेस कर सकता. सो ही इज रिटर्निंग द फेवर, थैंक यू. और मैं जा रही हूँ नहाने. क्या याद रखूंगी, याद रखूंगी. अच्छा हाँ हाँ जा रही जा रही. All showered up as you can see, and skincare बिल्कुल अभी करना है. Usually मेरे पास सुबह इतना time नहीं होता है that you know मैं सब कुछ अपना makeup वगैरह, and also I don't prefer, क्योंकि अब work from home में हम लोगों को इतनी आदत हो गई है ना makeup करने की, तो अब एकदम से इतनी गर्मी में makeup नहीं हो सकता. So I'm gonna show you like what all I do, like बहुत फटाफट वाला. सबसे पहले अपने बाल बांधने वाली हूँ because गर्मी तो काफ़ी है. First and foremost thing is a lip balm. So important. I'm gonna use the YBP Calendula Healing Salve. The best part about this weather is that this automatically, you know, is in a melted state. बहुत थोड़ा चाहिए होता है, like बहुत थोड़ा. So I'm just gonna use this much. अच्छे से इसको massage into the face, the skin. You know, some people just stop at this type of skincare. Sunscreen नहीं लगाते हैं. And my friend, I have always advocated the fact that using a sunscreen is so freaking important. You know, you have to protect yourself from the harmful UV rays from the sun. And therefore, घर पे हो, चाहे बाहर जा रहे हो, बाहर तो बिल्कुल ही मस्ट है, प्लीज सनस्क्रीन मत भूलो. एंड टुडे द सनस्क्रीन दैट आई एम गोना यूज इज बाय लोटस ऑर्गेनिक्स. ये है इनका हाइड्रेटिंग जेल मिनरल सनस्क्रीन. दिस इज ऑर्गेनिक मिनरल सनस्क्रीन, दिस फ्री फ्रॉम एनी पैराबेंस, केमिकल्स, सल्फेट्स, बिल्कुल क्रुएलिटी फ्री है. आई ट्राई अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन्स, ओके, एंड ऑल द सनस्क्रीन्स, वन थिंग दैट आई लुक फॉर इज दैट दे शुड ऑल्सो बी हाइड्रेटिंग. दे शुड नॉट बी लाइक बहुत ड्राई जब आप लगाओ उसको स्किन पे. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर, आई हैव यूज्ड सम बैड सनस्क्रीन्स, बट दिस one is really good. You can check it out. I'm gonna leave a link in the description box. And अभी इसको हम apply करते हैं. Lotus Organic जो है वो Lotus Herbals का ही brand है. इसके बहुत सारे इनके skincare products आते हैं. इनका जो face wash है, face packs है, ये भी मैं already use कर चुकी हूँ and they are really nice. So this one is SPF 30 UVA and let's try it out. This is the texture of the sunscreen and you know you can just like put it a little bit on your skin. एंड मेक श्योर जितने भी एक्सपोज एरियाज हैं आपके सन के, आप अच्छे से सनस्क्रीन लगाओ. मतलब सनस्क्रीन लगाने में कोई आपको ना कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए. और अगर आप देखो ये सनस्क्रीन बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड भी हो रहा है और साथ साथ ऑफकोर्स SPF फेस पे आ रहा है, सन प्रोटेक्शन हो रहा है. हल्का सा जो है आप इसको ब्लेंड करोगे तो धीरे धीरे जो इसका व्हाइट कास्ट है वो हटता रहेगा और आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगा, विच आई थिंक इज एन अमेजिंग फैक्टर इन अ सनस्क्रीन. एंड दिस इज माई स्किन केयर. वंस अगेन यूजिंग अ सनस्क्रीन इज सो सो इम्पॉर्टेंट. आई एम गोना लीव अ लिंक टू दिस लोटस ऑर्गेनिक हाइड्रेटिंग जेल मिनरल सनस्क्रीन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लोग देख सकते हो ये कोड है यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसको भी यूज कर सकते हो. एंड थैंक यू सो मच लोटस ऑर्गेनिक्स फॉर पार्टनरिंग विद मी इन दिस वीडियो एंड यू नो जस्ट लेटिंग पीपल नो हाउ अमेजिंग दिस सनस्क्रीन इज. यू ऑल कैन चेक इट आउट, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अब इसके बाद का जो मेरा मेकअप वाला प्रोसेस है वो तो बहुत ही फटाफट होता है. मैं दिखाती हूँ फटाफट से मैं क्या क्या चीजें करती हूँ. आई एम जस्ट गोना पुट अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर ऑन माय अंडर आईज. मैं अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से जाना अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, बिकॉज अभी क्या
क्या है कि गर्मी आना तो क्रीज नहीं चाहती कि मैं आए. मीनवाइल आई एम आल्सो गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ आईब्रोज. अब मुझे लग रहा है कि मेरी आईब्रोज ना थोड़ी पतली हो गई हैं, तो आई एम जस्ट नॉट ट्राई एंड ग्रो इट आउट अ बिट. और ना बस थोड़ा सा जो है अपनी अंडर आईज को मैं एक पाउडर से सेट कर रही हूँ ऐसा फोर हेड, बिकॉज दिस इज वेयर आई गेट वेरी ऑयली. आई एम गोना यूज अ लिक्विड ब्लश. ये एक पीच शेड का ब्लश है, तो बस मैं अपने ऐसे लगाऊंगी. अभी देखने में लग रहा है कि थोड़ा लाइट है मेरे स्किन पे, बट जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी ना आप देखोगे तब प्यारा कलर आता है. चाटे पाना अपने फेस पे दिस लिक्विड ब्लश एंड दैट्स इट. आई थिंक दिस इज अ गुड ग्लो एज वेल. गोना अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ आईलाइनर, थोड़ा सा अपने जो बाल है उनको थोड़ा थोड़ा सा तमीज मिलाने के लिए. आई एम जस्ट गोना यूज अ ब्लो ड्रायर ब्रश. Which I don't usually do, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ मेकअप, बट आज थोड़ा टाइम लग गया. ये क्या है आज इतना ट्रैफिक, पता नहीं क्या. ओह डैम, आई कैन लाइक सी कहाँ तक ट्रैफिक है. हेलो, ओके सो दिस इज वेयर आई से गुडबाय टू मिस्टर हस्बैंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे. दिस इज वेयर आई ड्राइव टू वर्क, सो आई एम गोना गो ड्राइव एंड यस बाय. ओके सो आई हैव रीच्ड ऑफिस. Home actually. I obviously did not get a lot of chance to vlog because bahut kaam tha, so I was involved in that. You know, it's really good to actually go to work, meet people, socialize. I think that is the one thing which, that is why I am more inclined to going back to office, because I'm home alone and you know, with this office culture we have stopped meeting and talking to people just without, matlab agar jab tak kaam nahi tab tak hum logo se baat nahi karte hain. And office mein literally like I ended up talking to so many people, hi hello here and there. So that was good, that was nice and I liked it. Kal bhi jaungi office, but hum kar rahe hain dinner. 9 बज चुके हैं, तो अभी सुबह जो खाना बना रहा छोले चावल गरम करूंगी. मेरे को ऑफिस में दोपहर को याद आया कि शिट, मैंने छोले और चावल फ्रिज में नहीं रखे, बाहर पड़े रह गए, क्या खराब होगा. बट थैंकफुली निपुण ने रख दिए थे, बिकॉज सुबह हम बहुत जल्दी में निकलते हैं. बट या आई थिंक वी जस्ट गोना हैव दिस एंड सी यू ऑल टुमारो. दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ दिस व्लॉग, सम एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग ऑन. सो या डे टू, इट्स द नेक्स्ट डे. गुड मॉर्निंग, आई हैव जस्ट टेकन अ शावर. आज मैंने धोने की कोशिश करी, अटेम्प्ट करा, शैम्पू किया मैंने, बट थोड़ा टाइम लगा तो हम थोड़ा लेट चल रहे हैं. आई क्विकली डू माय स्किन केयर, सेम ओल्ड द यूजुअल दैट आई शोड. आदिति ने बड़ा मस्त नाश्ता बनाया मेरे लिए, सो आई एम वेटिंग टू डिग इनटू दैट. आज हम लेट होंगे तो हम निपुण की वजह से लेट होंगे, क्योंकि मैं तो नहा के तैयार भी होने वाली हूँ और निपुण अभी तक नहाया भी नहीं है, सुन रहे हो. और उसका यही फाइट होता है, आज किसने लेट कराया, आज किसने लेट कराया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आओ ऑफिस चले.
ऑफिस से मैं निकल गई हूँ, आई रिमेम्बर्ड कि मैंने अपने फ्रूट्स तो खाए नहीं, याद आया खराब हो जाएंगे. तो आई एम हैविंग दिस going to pick up, actually no, I'm not going to pick up Nipun. I'm on my way to Cyber Up because it's a Thursday and tomorrow is a holiday, so it's kind of like a long weekend. I'm gonna go to Cyber Up, park my car. He's at Starbucks meeting a friend, so I'm gonna go join them. And uske baad dekhte hain how the night goes. We're here. So we came to Nando's and husband is working. आज छुट्टी है, चिल्ड आउट रिलैक्स डे, जस्ट टेकन अ शावर एंड आई एम हैविंग वाटरमेलन, लाइक अ प्लेट फुल ऑफ वाटरमेलन. एंड आई रियली लाइक वाटरमेलन विद यू नो फेटा चीज स्प्रिंकल्ड ऑन इट, एंड इफ यू हैव मिंट लीव्स देन ओहो इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन, यू शुड ट्राई इट. ऐसा है कि मैं तो आज बहुत ही ज्यादा आलसी हो गई हूँ. निपुन दीदी खाना बना रही थी, आई कुडंट गो विद निपुन टू द नर्सरी. नॉट दैट यू नो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द नर्सरी, बट एक आउटिंग हो जाती. बट निपुन बस अब आने वाला है, आई डोंट नो वो क्या लेकर आया. उसको मैंने बोला है कि प्लीज 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 ज्यादा प्लांट्स मत लेके आना, क्योंकि ऑलरेडी घर में बहुत ज्यादा प्लांट्स है. दिस इज नाइस, दिस इज प्रिटी. कौन है? तो आ गए हैं दो नए बेबीज, प्लांट बेबीज हमारे घर पे. बिकॉज कैसे हो सकता है ना निपुन नर्सरी जाए और खाके ना लेकर आए. अभी तो दो लेकर आए, आई एम ग्लैड कि सिर्फ दो ही लेकर आए. 250 रुपए का एक और एका पाऊं, और ये तो बड़ा भी नहीं है निपुन, ये तो छोटे छोटे से हैं. गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे. आज है सैटरडे और आज हम लोग जा रहे हैं अपने मम्मा के घर, मतलब मॉमी हाउस, दोनों मॉमी हाउस. मैं फटाफट नहा चुकी हूँ, निपुन सुबह का उठा हुआ है बट मैं अपने प्लांट की देखभाल कर रहा था एंड मैं सो रही थी, एंड अब मैं फटाफट के नहाई हूँ. दिस इज द ऑमलेट, एंड व्हाई आर यू नॉट हैविंग द ऑमलेट, प्लीज हैव. वी हैव लेफ्ट थोड़ा लेट सही, बट निकल गए हैं. बाल मैंने बांध लिए हैं बिकॉज इतनी गर्मी हो गई है. सो आर प्लान्स हैव चेंज्ड, वी आर स्टिल इन गुड़गांव. हम भटक रहे हैं सुबह से थोड़े बहुत छोटे छोटे यू नो जस्ट रनिंग एरेंड्स, और अब हमें इतना लेट हो गया है कि हम सोच रहे हैं कि अब घर जाने के लिए हम बहुत लेट है, तो हम कल जाएंगे. बट आज हम थोड़े से और काम सोच रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा घर का देखना है चीज़ें इधर उधर. सो या जबरदस्ती निपुण मेरे को लेके आया, जबकि मैंने इसको बोला भी है कि इससे और कहीं और चल सकते हैं, बट नाउ वी हैव कम टू क्रॉस पॉइंट मॉल. सब बंद पड़ा है. ऐसा लग रहा है निपुण हमें भूखा मारने वाला है. अभी तो यहाँ सब बंद रहा है यार. दी गेंट कैफे चल रहा है. गलती से देख लिया हमने. We've come to Digent Cafe and we've ordered some yummy food which is gonna be here in some time. And our food is here. So you have some salmon salad with boiled eggs. And I have ravioli. This could be like a cold salad, na? Coffee is yummy. Okay, we're digging in now. Bye. And we're done. Looks yummy. No, I think we're good. We've come to curtain shopping at Home Center. This is also nice. We are taking this one for my room. Look who did some shopping. That's me. थोड़ी बहुत चीज़ें ली है हमने, जैसे कि पर्दे, थोड़ा लंच बॉक्सेस, प्लांट एंड वन शेल्फ. दिस आई वांटेड फॉर माय ऑफिस का ऊपर का सिचुएशन. आई होप दिस लुक्स नाइस. आई काइंड ऑफ लाइक डेक इट अप विद सम थिंग्स. वन ऑफ देम इज द प्लांट. खुश हो तुम? तुम्हारी शॉपिंग करा दी मैंने. हाँ, निपुन की शॉपिंग हो गई है, जूते मिल गए निपुन को फाइनली. बर्थडे गिफ्ट तुम्हारा, ये तुम्हारा पोस्ट बर्थडे गिफ्ट. हेलो, गुड मॉर्निंग. हम फिर से अटेम्प्ट मार रहे हैं घर जाने का. एक्सक्यूज माई आउटफिट, इट्स रियली हॉट. केम आउट ऑफ अ शावर, डिड माई स्किन केयर एंड नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट. आज ब्रेकफास्ट में हम फिर से खा रहे हैं वही वाले ऑमलेट, बिकॉज कल जो दीदी ने बनाया था वो काफी यम्मी लगा था. इज द ऑमलेट दैट शी हैज मेड. ब्रेड पे इसको दीज डेज आई हैव फाउंड अ रियली इंटरेस्टिंग वे टू लाइक गर्म करो द ब्रेड, बिकॉज माइक्रोवेव में तो बहुत सॉगी हो जाती है. सो व्हाट आई डू इज आई यूज माई एयर फ्रायर एंड
I toast the bread. Oh, by the way, also the reason why I'm wearing, you know, like very airy kind of outfit is because I used an epilator on my hands. So I don't want ki main ekdam se kuch pehen lu thoda. I just want it to be, you know, take the shock of the epilator. And trust me, epilators have been my best friend now. I started using them, I think, a month back. And I used it on my underarms, my legs, my arms, my chin area, which is working great. Let me know if you want like a dedicated video on just epilators. I may just do that. But abhi ke liye hum karenge breakfast sourdough bread that I've ordered from Poshta. From Milk Basket. I really like this bread. Breakfast karne ke baad hum niklenge. Maine ye cold coffee already... Today's coffee, I'm using the flavor chocolate raspberry by Impulse Coffees. I kind of like not love it. I like it because I don't like the raspberry flavor in my coffee, but cold coffee mein acha lagta hai. Black coffee mein I don't like it a lot. I like the espresso and the mocha version, but this one I like it, the cold coffee version. Okay, so I was editing a little because अभी निपुन थोड़ा busy था, काम कर रहा था office का. अब हम finally निकल रहे हैं घर के लिए. 12:30 हो चुके हैं. Kind of wish that I could have just spent my Sunday in bed, maybe watching TV, because बहुत गर्मी है. Travel करने में सोचने में कुछ हो रहा है, but ठीक है, चलो घर वालों से मिलेंगे. By the way, कल की shopping जो थी मैं दिखाना चाहती हूँ. हमने पर्दे तो लगा लिए हैं जो blackout वाले curtain है. Apparently they are not 100% blackout क्योंकि रात को थोड़ी तो light आ रही थी, but हमारे जो पहले वाले पर्दे थे ना उससे बहुत better है. तो ये हैं वो पर्दे जो हम नए लाए हैं होम सेंटर से. आई प्रॉब्ली इंसर्ट अ पिक्चर हियर, कुछ खास दिख नहीं रहा है. स्लैब लेकर आए थे ना हम, जो ये बड़ा वाला स्लैब है. अब इसका दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे ही मैं इसको अपने वर्क डेस्क के ऊपर लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइट ही नहीं है मेरे वर्क डेस्क पे. इट्स नॉट लुकिंग गुड. कल हमने बहुत अलग अलग जगह पे ट्राई करा कि कहाँ फिट कर सकते हैं, बट आई थिंक वी विल हैव टू रिटर्न इट बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग आउट. अ लिटिल बम्प बिकॉज हम लोग प्लांट भी लेकर आए थे इसके लिए, इसके ऊपर रखने के लिए, बट ये है वो वॉल जिसके लिए मुझे थोड़ा सजेशन चाहिए. दिस इज गोना गो बैक टू आवर डिक्की. हम इसको रिटर्न करने वाले हैं. ओहो, आज तो नया नई शर्ट, नए जूते, बढ़िया है. बीवी भी नहीं ले आओ? नहीं. हाँ, स्मार्ट लग रहे हो. ये था वो प्लांट जो हम कल लेकर आए थे. ब्यूटीफुल जीजी इन अ सिरेमिक पॉट. हमारे पास ऑलरेडी है एक सिरेमिक पॉट में, बट ये ऑब्वियसली मेरे स्टूडियो वाली वॉल पे है. बट दिस इज नाइस. इट ऑल्सो हैज लाइक दिस ट्रे टू अवॉइड एनी वाटर डिस्पोजल. As you saw, मतलब हम दोनों घर गए और दोनों घर में मतलब literally हमने ऐसे दावत सी करी है, बहुत पेट भर गया है. This was like some snippets here and there of the entire week. I hope you all enjoyed, you know, being a part of this week in my life. If you did, then please video को like कर जाना, मेरे channel को subscribe करना. I'm gonna see you on my next video. Bye.